तो ये देख लीजिए कितने आसान तरीके से जो है हमारी मेथी की खिचड़ी जो है बनके हो गई है तैयार। तो जब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा मेथी की खिचड़ी जो है हमने किस तरीके से बनाई और क्या क्या इसमें डाला है। तो मेथी की खिचड़ी भी है और साथ में हमारा सुबह से शाम तक का जो है हमने क्या किया, कहाँ गए, ये सब है। तो आप सब देखिए और हमें प्यारे प्यारे से कमेंट करिए और बने रहें हमारी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, इसमें कौन है ये देखिए। ये कौन है? ये कौन मेरा बच्चा है जो अंदर घुस गया है? ये क्या है? बैग में क्यों घुस रही, ये बताओ पहले तो। बैग में क्यों? लियो, लियो, लियो। तो ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी फातिमा के लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। और फातिमा जो है उनका जीना है ये, नेपाल से यहाँ और यहाँ आकर छलांग मारकर बैग में अंदर, और बैग में अंदर ये क्या कर रही हैं ये हमें नहीं बता रही हैं। तो ये देखिए हमारी फातिमा को बैग के अंदर हैं जो घुस गई हैं और बाहर नहीं निकल रही, हमें मार रही हैं। ओ देखो 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 इनका। सब कैमरे में कैद हो रहा है सब। ये देखो भैया, हाँ बस बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे। नोच लिया हमें, बदतमीज लड़की, बदतमीज लड़की। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ सारा दिन इसी तरह मस्ती करती है, और जब ये इस बैग में घुस जाती है तो हमें चलता है हम ढूंढते फातिमा कहाँ है, फातिमा कहाँ है, और फातिमा चुपचाप से इसी बैग में है जो बंद रहती हैं। तो बस देखते हैं इस बैग में ऐसा है क्या जो उन्हें इतना अच्छा लगता है, मैं तो पता ही नहीं। काट रही तो हमें बदतमीजी कर रही है ना, बदतमीज नहीं तो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय मोजे रखे हुए हैं इस बैग में। और ये देखो निकल आओ मेरे बच्चे, बाहर बाहर आओ बउआ, आए बउआ बाहर तो आओ। देखो बिल्कुल चुपचाप हो गई, हम ऊपर कैमरा भी नहीं। छन्नो बेटी, छन्नो भैया बाहर आ जाओ, आ जाओ। भैया भैया सूता समुन्ना लो आ जाओ, आ जा लिया खाना दे। हाँ हाँ दे रहा है, आओ आ दे रहा खाना लड़ंकू। आओ खाना दे, आ जल्दी मछली ले आओ, ले आओ खाना दे, आओ आओ तो
तो ये देख लीजिए आ गई बाहर, और बाहर भी इनकी इसी तरह शैतानी होगी मगर इनकी पिटाई होगी। तो देखा आप सबने हमारी जो फातिमा है कितनी मस्ती करने लगी है, हमें एक एक घंटा इसी तरह परेशान करती हैं, और बस शैतान शैतान शैतान। तो आप लोगों ने देखा हमारी फातिमा की मस्ती, अल्लाह अकबर, इतनी मस्ती इसी तरह हमें पूरे दिन परेशान करती है। रात में तकरीबन एक या डेढ़ का टाइम होगा और एक पेट का मरीज आया, तो डॉक्टर साहब उठे, गेट खोले और फातिमा ने मुश्किल कर दिया कि हमें छोड़ो, में बाहर निकलना है। पर हम जैसे तैसे उसको बंद कर लिया हमने उसको कमरे में, पर फिर भी वो एकदम चिल्लाने को लगी कि मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। तो बस हमारी फातिमा इसी तरह मस्ती करती है हमारे साथ में। और हाँ, और अभी तो जैसे आपको पता है कि दावतों का सिलसिला है जो चालू है, यानी चल रहा है। तो आज जो दावत है, आज है हमारी ज्योति की यहाँ दावत, और देखते हैं आज दावत में क्या है। तो दावत के लिए तो हमें तैयार होना पड़ेगा, तो ये आप देख सकते हैं हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद में, फिर बताइए इंडियन ब्लॉगर सफीना है जो, वो कैसी लग रही है तो आप लोग बताएंगे और कमेंट भी करेंगे हमारी फातिमा के भी लिए और हमारे भी लिए, ठीक है ना। तो अभी हम तैयार होके दो मिनट में मिलते हैं आपसे। तो बस हम हो गए हैं रेडी। तो आपने देखा हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने सिर्फ क्रीम लगा ली और थोड़ी सी लिप लॉज लगा ली और काजल लगा लिया और हम हो गए बिल्कुल रेडी। तो चलिए देखते हैं ज्योति के यहाँ पे जाकर, कुछ काम होगा तो उसके यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे, जो भी काम देखेगा तो हम वो भी उसका काम देख लेंगे। और जैसे कि चटनी है तो वो यहीं पे बनी हुई है अमरूद की, वो हमने ही बनाई है। देखिए हमारी फातिमा दुपट्टा खींच रही है, फातिमा शैतानी मत करो। तो ये देखो आप खुद देख लो, खुद देख लो, आप लोगों ने कितना परेशान कर दिया मुझे। ये देखो बदतमीज कहेंगे। तो बस अमरूद की चटनी हमने बना ली है और दाल भी पीस के ज्योति को जो दे दी है हमने, मूंग की दाल की है जो मगोड़ी बनना है, और छोले आलू की शायद सब्जी है और पूड़ियाँ हैं। तो आप सबके साथ भी हम शेयर करेंगे। और अभी हम चलते हैं ज्योति के यहाँ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारी वीडियो में और इंतज़ार करिए रेसिपी का कि ज्योति ने क्या पकाया है। और हाँ, मुझे कमेंट जरूर करिए मैंने अपना मेकअप जो है कैसा किया, ये देखिए। और हमारी फातिमा के लिए तो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि हमारी फातिमा जो है बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार करती है, और फातिमा की माँ करती है इंतज़ार, पढ़ने में उसको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देख लीजिए हम आ गए हैं ज्योति के यहाँ पर, और ज्योति का घर है जो अंधेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो अंधकार में डूबी है दुनिया। तो हम आ गए हैं ज्योति के यहाँ दावत पे, और ज्योति लोहिया आ गए। तो ये देख लीजिए ज्योति हैं जो बैठ गई हैं, क्या बना लिया ये बताओ पहले, हम तो अपने दोस्तों को बता के आए मगर आप भी बताओ क्या बनाया। आलू छोले की सब्जी। हाँ, और भजिया बनना है तो उसका यही रखा है। अच्छा, भजियों का जो है बैटर रखा है बना हुआ। हाँ, और उसमें आटा गुना हुआ रखा है। तो आप लोग इंतजार करिए, जब मिलेंगे जब थाली लग जाएगी इसके बाद में। और अभी किरण दीदी हैं जो चाय बना रही हैं हीटर पर, और अभी कोई आया नहीं है, हम पहले से आ गए हैं, और हमने सोचा चलो ज्योति की कुछ हेल्प की जाए, इसलिए हम जल्दी से आ गए। और आप सब भी बने रहे हमारी वीडियो में। और कल किरण दीदी के यहाँ दावत, और रामशीला दीदी के यहाँ दावत, और आज है हमारी ज्योति के यहाँ दावत। तो दावत का सिलसिला है जो अभी जारी है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बाकी है, इसलिए अभी दावतों का जो सिलसिला है वो चलेगा कुछ दिनों तक। तो आप सब भी बने रहे हमारी वीडियो में, मिलेंगे थोड़ी देर में आप सबसे। तो ये देखिए खाना जो है लग रहा है, और ज्योति लड्डू वगैरह है जो निकाल रही है। क्या है लड्डू में ज्योति, नहीं आ रहा है, जब वो पूजा रखी हुई है तो वहीं से बात करने।
हम के भगवान अब तिनैया खा के तो आ जाइए सब लोग ज्योति की यहाँ जो दावत है उसमें सब लोग आ जाइए और दावत इंजॉय करिए हम सबके साथ। बच्चे जो है खा चुके हैं और यहाँ पर भी काफ़ी अंधेरा है और बच्चों के डांस यानी हमारी इसका नाम क्या है मान्यता का डांस देखो मान्यता करो करो मान्यता ये देखो बच्चों की मस्ती है जो चल रही है और बच्चों का खाना हो गया बस हम लोग रह गए हैं तो बस हम लोगों की थाली जो है मुस्कान लगा रही हैं तो आ जाइए आप सब भी आ जाइए हम लोगों के साथ और यहाँ पर जो है बहुत आवाज़ें शोर शराबा हो रहा है इसलिए स्किप करें। हटा ज्योति ये देखो बस इतना ही दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और इस बल्ब यहाँ पर भी यही बल्ब मिलेगा आपको CFL नहीं मिलेंगे यहाँ। तो ये लग गई हमारी थाली और चलिए हम हो रहे हैं शुरू खाना खाने के लिए तो आप सब भी आ जाइए। तो बस आ गए हैं ज्योति के यहाँ से जो है खाना खाकर यानी ज्योति के यहाँ दावत थी तो दावत खाकर आ गए हैं और बगल में जो है रामायण बैठी हुई है उसका ये शोर आ रहा है तो सुबह बनाएंगे हम मेथी की खिचड़ी। तो मेथी की खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक भर के चम्मच ले लिए मेथी और मेथी को डाल देंगे फूलने के लिए और ये रात भर के लिए इसी तरह डाल देंगे और सुबह बनाएंगे गर्मा गर्म खिचड़ी। और हमारी दोस्त हैं UK से उनकी रिक्वेस्ट थी कि मेथी की खिचड़ी बना के बताएं तो उनको हम मेथी की खिचड़ी बनाकर बताएंगे। और हाँ आप सब भी ज़रूर देखिए मेथी की खिचड़ी कैसी बनती है और सर्दियों में ये कितनी अच्छी मतलब अच्छी लगती है और बहुत इसके फ़ायदे भी हैं तो ज़रूर बनाइए मेथी की खिचड़ी। और सुबह मिलते हैं अभी बज रहे हैं रात के 11 और आप सबसे मिलेंगे हम सुबह खिचड़ी बनाते टाइम। तो बस रात के लिए गुड नाइट अल्लाह हाफिज़। तो ये देखिए मेथी की खिचड़ी बनाने के लिए जो हमने रात में मेथी भिगोई थी वो अच्छे से फूल गई है मेथी यानी ये मेथी दाना है वो बहुत अच्छे से फूल गया है। और यहाँ पर हमने लिया है बगाने के लिए प्याज है 2 पत्ते हैं यानी तेज पत्ता है और दालचीनी और ये आप देख सकते हैं 4-5 काली मिर्च और 4-5 है लौंग और सिया जीरा और 2 हरी मिर्च ली है इस तरह से हमने काट लिया है और 1 छोटी प्याज है। और यहाँ पर हमने 1 कटोरी लिए हैं चावल और ये आप देख सकते हैं ये है मटर और मटर आपको डालना है तो डालें नहीं डालना है तो मटर स्किप भी कर सकते हैं। तो बस मेथी की खिचड़ी है जो बनाना है बहुत आसान और चलिए बनाते हैं मेथी की खिचड़ी। तो उसके लिए हमने कुकर रख दिया है और कुकर है जो गैस हमने जला दिया है कुकर रखकर तो डालते हैं इसमें हम तेल तो हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है हम तेल कम ही डालेंगे तो हमने बस थोड़ा सा तेल डाला और तेल गर्म होने का करेंगे इंतज़ार। तो तेल गर्म हो गया है और डाल देंगे हम तेज पत्ता और इसके बाद में डालेंगे हम प्याज डायरेक्ट जो है हम गर्म मसाला है जो नहीं डालेंगे क्योंकि वो जल जाएगा इसलिए तो हमने प्याज को डाल दिया है और साथ में ही हम ये गरम मसाला और हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इसको हल्की गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं इसके बाद में हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। तो प्याज जो है हल्की ब्राउन हो गई है तो अब डाल देंगे हम इसमें मटर और साथ में ही डालेंगे हम इसमें जो मेथी दाना लिया है साथ ही डाल देंगे पानी और इसको हम बस 2 मिनट तक तेल में तल लेंगे और साथ में ही डाल देंगे नमक। तो नमक हमें डालना है टेस्ट के मुताबिक और चलिए जब तक मेथी और मटर जो है भूंज रही है मसाले में यानी तेल में जब तक हम चावल को धो लेते हैं। तो बस चावल जो है हमने धो लिए हैं और अब चावल डाल के हम अच्छे से चला लेंगे।
तो बस हमने चावल डाल दिए और अब चावल में हम डालेंगे पानी। तो जिस कटोरी से हमने चावल लिए थे उसी कटोरी से डालेंगे हम यहाँ पे दो कटोरी पानी, और मध्य आंच में एक सीटी आएगी और दूसरी सीटी आने को जैसी ही होगी हम गैस को बंद कर देते हैं। फिर देखते हैं खिचड़ी जो है हमारी खिली खिली और मेथी की खिचड़ी कैसे तैयार हुई। और आप सब इतना तो जानते ही हैं कि मेथी की खिचड़ी जो है कितने फ़ायदेमंद है और किन किन चीज़ों में फ़ायदा करती है, ये आप सब जानते हैं। तो चलिए बंद कर देते हैं कुकर और मिलते हैं खिचड़ी बनने के बाद। तो देख लीजिए दोस्तों, मेथी की खिचड़ी जो है बन के हो गई है बिल्कुल तैयार, और माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो बस आप देखिए और हमारी जो रेसिपी है इसे ट्राई ज़रूर करिए, और ये सर्दियों में ही खाने में अच्छी लगती है। तो बस कितने आसान तरीके से है जो मेथी की खिचड़ी बन के हो जाती है तैयार। तो बस हमारी जो रेसिपी और हमारी ज्योति की यहाँ की दावत आप सबको कैसी लगी, और हाँ हमारी फातिमा की जो मस्ती थी वो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ जो न्यू आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचें और आप लोग देख के इंजॉय करो और हमें प्यारे प्यारे से कमेंट करो। तो बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल नए ब्लॉग के साथ फिर से सफीना आप सबके साथ होगी। तब तक के लिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।